तो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? हम भी एकदम ठीक ठाक हैं और रुहान भी एकदम मस्त है। शुरुआत करते हैं एक प्यारे से नए दिन की। आजा, वहाँ क्यों खड़ा है? आजा। रूही देख कैसे खड़ा है सामने पूपी किंग का। मौसम की अगर बात की जाए तो आज बादल बादल हैं यहाँ पर और बारिश तो फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन बादलों से भरा हुआ है पूरा। देखो डन, चलो स्नोमैन ने, गुड़िया वाली स्नोमैन ने क्या क्या था उस गुड़िया वाली स्टोरी में? पढ़ाई कर रहा था फिर करें नहीं? हाँ। कोई बात नहीं, फिर बहुत भारी है, नहीं हो रहा है। ये रूहान अभी देख रहा है, ना जाने क्या देख रहा है, पर कुछ तो दिमाग लग रहा है बेबी का। सोच रहा है मैं कहाँ शरारत शुरू करूँ, कौन सी शरारत करूँ, मामा कौन सी शरारत करूँ। ओहो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या हो गया बच्चू? अब अपनी गाड़ी के साथ ही खेल लेता हूँ। हाँ मम्मा, मुझे कुछ और करने तो नहीं देगी। हाँ तो मौसम बिल्कुल ख़राब है, ना बारिश हो रही है ना कुछ, और एकदम चुप, जिसको बोलते हैं ना वैसे वाला है, बिल्कुल बादल बादल। और लाइट भी चली गई है फिलहाल, तो बाहर थोड़ा सा टहल रही है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, अंदर में धीरे बैठ बैठ के भी पागल हो जाते हैं, तो ध्यान रखते खेलने में लग गया है। हिमाचल की अगर बात की जाए, अपर हिमाचल की, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से हमें ना कपड़ों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो बस वही सब सोच के रूहान के डैडा की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, और देखो कितने सॉक्स हैं, मोटी मोटी पहननी पड़ती हैं ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि इनका आना जाना ना बाइक में होता है उसी वजह से। और देखना रूहान भी यहाँ पर तैयार हो गया, और पीछे उसने मेरे कपड़े गिरा दिए हैं। हम अभी रूम की शक्ल दिखाना तो नहीं चाहते और दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि ये देखना कपड़े कैसे फैले हुए हैं, क्योंकि कल शाम को बिल्कुल भी तबीयत ठीक सी नहीं थी, और बस यही सब चीज़ें, हमने कुछ भी नहीं किया। फिर बेबी, ये कपड़े क्यों गिराए आपने? शार्पनर ढूंढना था। तो रूहान का कहना है कि वो अभी तक ना शार्पनर जो होता है उसको बेड के नीचे मिला था, लेकिन मिलने के बाद इसने फिर से वो गुम कर दिया है कहीं पर, और हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वो कहाँ है। तो ऐसे ऐसे गप्पे हैं। आपको भी नहीं ढूंढ पा रहा? जल्दी करो भाई, लेट हो रहे हैं, है ना? भाई स्टाइल देखो इस गंदे बच्चे का, पानी के गिलास में पॉपकॉर्न डाल रहा है, और खाने का स्टाइल देखो इस गंदे का। आंखें दिखाना अपनी, काली काली दिखाना, ए गंदी जी चुकली बुकली। अभी आंगनवाड़ी से वापस आ गए हैं, और आज ना बिल्कुल सुस्ती वाला सा दिन लग रहा है, क्योंकि बाहर धूप इतनी तेज़ लग रही है, ऐसा लग रहा है मानो गर्मी का मौसम आ गया हो। पता नहीं क्यों, कल तक इतना ठंडा था, ठंडा तो आज भी है, लेकिन जैसे धूप में बैठेंगे ना तो बिल्कुल पसीना निकालने वाली धूप लगी आज सच्ची में, है ना बुतू? बहुत गमी है ना। तो रूहान यहाँ पर कर रहा है पेंटिंग, और पेंटिंग के साथ में इसकी एक्टिविटीज बेस के ऊपर इसको चेक किया जा रहा है कि कितना कर सकता है, ये लगा हुआ है अपने हिसाब से। अच्छा लग रहा है? कौन सा कौन सा? ये। ओके। ओ वाओ। अब ये।
क्या इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत ही ज्यादा गंदा बच्चा है। डोंट बिहेव लाइक दिस, घूमते रहो। इसका कहना है घर चलो घर चलो घर चलो, लेकिन भाई कैसे घर चलो, टाइम भी तो होना चाहिए, ऐसे कैसे घर चले जाएं। ओए होए, कितना सुंदर सा पोज दे रही है बुब्बो, क्या हो गया? मैं नहीं जाऊंगा घर, मुझे नहीं जाना घर, मैं आज यहीं रहूंगा। चलो नहीं जाना, यहीं रहेंगे हम आज, आज यहीं रहेंगे बीबी। चलो क्या करना है घर में, खेलना। तो यहाँ खेल लो, हैं? यहाँ खेले बेटा। घर में क्या रखा है, घर में होते तो बाहर जाना है, बाहर होते तो घर जाना है, क्या बात कर दी। अच्छा लटकू राम,